6 अप्रैल को भाजपा पूरे देश भर में 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा में भी स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने स्थापना दिवस को लेकर कहा कि स्थापना दिवस के दिन हर बूथ में पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। भाजपा केंद्र सरकार की सफलता को लोगों तक ले जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता को भी जनता तक ले जाया जा रहा है। देश भर में स्थापना दिवस मना रही है, छत्तीसगढ़ में इस बार क्या कुछ खास है स्थापना दिवस पर? हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। सर, स्थापना दिवस है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा क्योंकि चुनाव भी है नजदीक? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को हर साल अपना स्थापना दिवस मनाती है। भारतीय जनता पार्टी के बूथों के लिए जो अनिवार्य कार्यक्रम है उसमें हमारा 6 अप्रैल का स्थापना दिवस भी है, और इस बार स्थापना दिवस में हमने हर बूथ में पार्टी का ध्वज फहराने का काम करेंगे। और घरों में हमने आग्रह किया है कि रंगोली भी बनाएं, दीपक भी जलाएं, पार्टी के कार्यालय में सज्जा करें, सजावट करें, और हर एक मतदान केंद्र में पार्टी का स्थापना दिवस आयोजित हो, ये हमने तय किया है और इसकी तैयारियां चल रही है। जो हारी हुई विधानसभा सीटें हैं वो उसको लेकर किस तरह का जो है अभियान आप लोग चलाने वाले हैं, क्योंकि 2023 चुनाव नज़दीक है अब, तो उससे उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हम तो सभी 90 विधानसभा को लक्ष्य लेकर योजना बनाकर काम कर रहे हैं, और पार्टी के बूथ इकाई तक हमारी सक्रियता से लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सहभागिता बन रही है। और एक तरफ जहां हम केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक लेकर जा रहे हैं, वहीं 15 साल में हमारी सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए हैं, उसे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो विधानसभा कमजोर है वहाँ पर पार्टी जो है केंद्र की योजनाओं के साथ ही जो राज्य सरकार की विफलताएं हैं उसको लेकर जाएगी और 23 के चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत के साथ भाजपा लड़ेगी। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS News, रायपुर।